वहीं सत्र के तीसरे दिन स्थगित प्रस्ताव में जिंदा किसान को मृत बताए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए विपक्ष से खेद जताने के लिए कहा, तो वहीं विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को सदन को गुमराह किए जाने का आरोप लगाते हुए माफी मांगे बिना सदन की कार्यवाही नहीं होने की बात की। दरअसल विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य बलरामपुर के जिस किसान संजय सिंह को मरा हुआ बता रहे हैं वो जिंदा है, वो मेरा कार्यकर्ता है। इसके साथ ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। तोड़ मरोड़ करके तथ्य रखना चाहते हैं तो कोई सार्थक चर्चा वो करना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे सदन में। मैंने ये जीवित किसान को मृत नहीं कहा, मैंने कहा जिसका उल्लेख वो कर रहे हैं वो किसान जीवित है और ये सत्य है कि वो किसान जीवित है।